नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवानी ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए कि हम लोग का जो अभी वर्तमान में जो चल रहा था करेले का जो टोटल इनकम कितना हुआ। दोस्तों आज हम लोग का जो मेहनत का पिटारा है वो खुलने वाला है दोस्तों। तो वो हमारा जो करेले का जो इनकम है वो कितना हुआ, लास्ट तक बने रहना और वीडियो को स्किप न करना। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो उससे पहले हम लोग सब्सक्राइबर भाइयों के लिए जो डिमांड है जंगली बैंगन का जो बीज है वो निकालना है और उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा जो लिए हैं वो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से। तो ये है हमारे पार्टनर चंद्रभान जो हमारा काफ़ी हेल्प कर भेजेंगे इसका बीज तैयार करके। हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग जो हैं डिमांड किए थे, फ़ोन किए थे, तो इसको हम लोग तोड़ के ना रख दिए थे। अभी इसका बीज निकालेंगे पूरा, यहीं पानी डाल के कुचड़ देंगे इसको इस तरह से। अब इसको धूप में सुखा देंगे, आज दिन भर के लिए छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, हम लोग जो तैयार किए थे जो पौधा जंगली बैंगन का, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसका जो ग्राफ्टिंग के लिए है समय पहुंच गया है, तो हम लोगों को अब इसके लिए टमाटर का जो पौधा है वो तैयार करना है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है कि कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, ग्राफ्टिंग करने योग्य। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसका रूट तैयार हो रहा है। इसी तरह से आप भी घर में तैयार करके ग्राफ्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो ग्राफ्टिंग वाला वीडियो है दोस्तों वो काफ़ी जल्द आप तक पहुंचेगा। ग्राफ्टिंग वीडियो लाने से पहले आपसे एक डिमांड है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1 के होना चाहिए, तब वो वीडियो आएगा आप तक। तो बस यही रिक्वेस्ट है, आप इसको तेज़ धूप में ना रखें, ऐसी झाड़ के नीचे में जमा के अच्छे से रख दें, ताकि धूप ज़्यादा पड़ेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो इसको छांव में ही रखें, क्योंकि ट्रे का साइज़ बहुत छोटा है, छोटे होने की वजह से पानी इसका जल्दी से सूख जाता है। तो इसलिए जितना हो सके आप इसको छांव में ही रखें। तो समय आ गया है दोस्तों आपको करेले का जो हम लोग का प्रॉफिट रहा उसकी जानकारी देने का। तो दोस्तों हम लोगों ने करेले का जो अभी तोड़ाई है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, अभी एक महीना और हमको चलाना है। तो उससे पहले ही हम लोगों ने कितना जो इसका कलेक्शन हुआ है उसको एक बंद पेटी में रखे थे, ताकि एक एवरेज पता चले। हम जैसे जो छोटे किसान हैं उन लोगों को ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों कि इनकम होता है या नहीं होता है, क्योंकि कई किसान होते हैं जो बताते ही नहीं कि इसमें बेनिफिट कितना है। तो मैं खुद जब स्टार्टिंग किया था मुझे भी किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं था,
और मैं जिस तरह से आपको अपना अनुभव जो के माध्यम से आपको दिखाने का यही मकसद है दोस्तों, कि जो छोटे किसान हैं वो भी फील्ड में उतर कर अपना जो है मेहनत से अपना तकनीकी प्रयोग से आगे बढ़ें। दोस्तों एक एकड़ करेले की खेती में हम लोगों ने समथिंग अभी तक का जो कलेक्शन हुआ है 2,40,000 का हुआ है, और ये मेरा टमाटर के ऊपर किया गया क्रॉपिंग था दोस्तों। इस टमाटर का एवरेज भी आया था दोस्तों एक एकड़ का लगभग हमारा 1,60,000 रुपये आया था। उससे पहले मैं गोभी लगवाया था 75,000 का बेनिफिट लेके गया था दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एकड़ में हम लोग एक साल के एवरेज में, क्योंकि मैं अप्रैल से ही स्टार्ट किया था इसको 2022 से, और ये 2023 है, आज है 12 तारीख, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खर्चा काट के भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए एक एकड़ में आप बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं हर एक आपको छोटी से छोटी जानकारी जो है आपको तक मैं पहुँचाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। हमें इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 261 सब्सक्राइबर हो गए हैं। प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।